हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज फिर एक नया व्लॉग, और टाइम मिल नहीं पा रहा था व्लॉग डालने का क्योंकि ऑफिस से टाइम नहीं हो पा रहा था। तो आज जो है घर जाने का दिन है, छुट्टी ले ली है मैंने, अप्रूवल आ गया है, और आज पूरा एक्सप्लोर कराता हूँ। घूमते हैं यहाँ से, घर तक का रास्ता दिखाएंगे। और अभी अभी सो के उठा हूँ, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर निकलते हैं यहाँ से। और थोड़ा सा ग्रूमिंग कराते हैं पहले अपनी। तो गाइस, बहुत टाइम हो गया, आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो क्यों नहीं आई। वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। अब और पूरी 2-3 दिन में हर वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, पूरे अपने स्टाफ से भी मिलवाऊंगा आपको। बाकी चलते हैं अभी ग्रूमिंग के लिए, ग्रूमिंग के बाद मिलते हैं आप लोगों से। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आज मैं सर चुपचाप वीडियो बना रहा हूँ फोन से। ये देखिए हमारे सर। हाँ भाई, लॉगिन कर रहा है। यस, तो गाइस ये अपना साहिल है, ये अपने साथ ऑफिस में काम करता है। तो इसने मेरे को बोला था सर मेरे को ब्लॉगिंग सिखा दो, तो मैंने इसको बोला था ट्राई कर। क्योंकि गाइस जब तक हम सिखाएंगे नहीं तो हम ऊपर नहीं बढ़ेंगे। और वही वाली बात है, जब तब तक आप अपना काम किसी को नहीं सिखाओगे तो ऊपर के स्टेप नहीं लूंगे, तब आप ऊपर उठोगे वो उस जगह पे आएगा। तो ऐसे हर किसी की सपोर्ट करनी चाहिए। अब आप देख रहे हो मैं शूज पहन लूँ, जाने की तैयारी है पूरी आज। और आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, स्टाफ से मिलवाता हूँ आज अपने जहाँ मैं काम करता हूँ, एज ए ऑपरेशन मैनेजर मैं अपॉइंटेड हूँ। और बाकी चलते हैं रास्ते मिल के घर चलते हैं। मैं बहुत अंदर से आज खुश हो रहा हूँ कि घर जा रहा हूँ, एक हफ्ता हो गया पूरा। और देखो चलते हैं, फिर मिलते हैं रास्ते में आपसे। गाइस बैग टांग ले हम अपने अपना, और चलते हैं रास्ते की तरफ, मिलते हैं आपसे रास्ते में। और स्टाफ से मिलवाता हूँ उससे पहले। तो भाइयों, ये अपना रिसेप्शन एरिया है अपने शो का, और मैं आपको अपने दोस्त से, एक दोस्त और मिलवाता हूँ। मनवीर नाम है। हाय सर। ये मनवीर है, मेरे साथ ही काम करता है यहाँ पे। दोनों हम प्यार से काम प्यार से करते हैं। जी जी जी। तो नहीं हूँ। नहीं सर। मैं जबरदस्ती कहलवा रहा हूँ। नहीं 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 ऐसा नहीं है। तो अभी यहाँ पे आ गया, अब घर चलने की तैयारी है। बैग वैग सब पैक करके मैं ले आया हूँ अपना, और मनवीर, ये मैं मनवीर से मिलवा दिया, बाकी स्टाफ से भी मिलवाता हूँ, फिर चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। पहले जाएंगे अमरोहा, अमरोहा से जाएंगे धाम। तो ये अपना रिसेप्शन एरिया है, ये अपना पूरा स्टाफ है। एक एक करके मैं सबसे आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये अरुण है, साहिल इससे मिलवाई दिया था सुबह, दीपक, सचिन, क्या नाम नाम बताओ, विनीत नाम है इसका, ये सोनू है, और दीपक नेगी, अब वो अपना है मनवीर, और यहाँ बैठा है अपना रोहित, पर थोड़ी शर्म आ रही है। तो गाइस अब जो है यहाँ से मैंने आपको अपने स्टाफ से सबसे मिलवाई दिया है, अब यहाँ से चलते हैं और आगे के रास्ते रास्ते दिखा। अब ये गाइस आपके लिए कुछ करने के लिए बोल रहे हैं सबके साथ, ये देखो करो। अजय अजय अब मेरे को छोड़ के आएगा गागन तक, और ये अपने साथ ही है, स्टाफ मेंबर ही है। उस समय था नहीं इसकी ड्यूटी का टाइम, ये नहीं था, तो अब हम निकल गए हैं, अब आगे रास्ते का शॉर्ट ले लेंगे। गाइस बीच में थोड़ी सी तब्दीली आ गई है, जाना था धामपुर लेकिन फिर जीआईजी का फ़ोन आ गया, तो मुरादाबाद से मैं डायरेक्ट अमरोहा की तरफ आ गया। पास पड़ता है, 25 से 30 किलोमीटर पड़ता है पूरा, वासुदेव पे ही घर है यहाँ पे। तो थोड़ा सा अब मैं आ गया पीछे, आपको हनुमान जी दिख रहे होंगे, अब मैं वासुदेव आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करा देता हूँ। थोड़ा इस बहाने वासुदेव यहाँ का व्लॉग बनाने का मौका ही मिल गया, सोच भी रहा था मैं बहुत टाइम से, तो अब व्लॉग बनाते हैं। थोड़ा सिनेमेटिक शॉट लेता हूँ मैं इसके, आपको दिखाता हूँ वीडियो में।
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. पूरा सफ़र मुरादाबाद से अमरोहा, अमरोहा से धामपुर आ गए हैं। डुगू के पास कुछ के नीचे गई है, ये डुगू बैठा हुआ, डुगू डुगू हाय, ये फ्रूटी पी रहा है अभी। और अब मैं ब्लॉग अपलोडिंग पे डाल दूंगा, अब आप ब्लॉग देखिएगा। प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करेगा, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। अकेला निकल पड़ा हूँ अब सफ़र के पीछे। अब जो है इसको जितनी ज़्यादा हो सके प्लीज़ सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी बताएं ज़रूर। बाय गाइज़।